भोले बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राम। मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए, और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। कोई सियासी आदमी है, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। हम कोई सियासी आदमी है, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आरती हनुमत प्यारे की, आरती हनुमत प्यारे की। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर मौजूद हैं और सपरिवार आरती उतारने का कार्यक्रम चल रहा है। बागेश्वर बाबा की आरती उतारने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ, जिनके साल 2023 में चुनावी एंट्री लेने की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का पूरा परिवार मिलकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतार रहा है। ये बात खबर इसलिए बन गई क्योंकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ की इस आवभगत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस के एजेंडे हिंदू राष्ट्र की हुल्लम हुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब खामोश हैं।